दोस्तों, सतयुग अर्थात एक ऐसा समय जिसके चार स्तंभ माने जाते हैं, सत्यता, तपस्या, पवित्रता और दयालुता। इन चार गुणों का समावेश सतयुग में था। इसका अर्थ है कि इस युग में कोई हिंसकता नहीं होती थी, परंतु यदि हम मानव इतिहास के बारे में हुई खोजों पर नज़र डालें तो ऐसे किसी युग का कोई अस्तित्व दिखाई नहीं पड़ता। हम इंसान होमो सेपियंस कहलाते हैं और होमो सेपियंस का अस्तित्व पृथ्वी पर लगभग 3 लाख वर्ष पुराना माना जाता है, और इन 3 लाख वर्षों के इतिहास को टटोलने पर हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता जिसे ये कहा जा सके कि मानव कभी अहिंसक भी रहा होगा। वास्तव में पूरा मानव इतिहास हिंसा से ही भरा हुआ है। किंतु एक सवाल वैज्ञानिकों को हमेशा ही परेशान करता आया है, वो ये कि क्या मानव की हिंसकता बढ़ रही है अथवा कम हो रही है। ऐसा सवाल किसी अन्य जीव के बारे में नहीं उठता। मसलन यदि हम बाघों की बात करें तो आज से लाखों वर्ष पहले भी बाघ हिंसकता से शिकार करते थे और आज भी करते हैं। इलाके के लिए एक दूसरे से लड़ते थे और आज भी लड़ते हैं। परंतु मानव का जनजीवन बेहद जटिल परिवर्तनों से गुजरा है। किसी समय हम भी शिकार करके अपना पेट भरते थे, परंतु आज हमें शिकार करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि हम खेती करना सीख चुके हैं। हालांकि हमने मांस खाना अभी तक नहीं छोड़ा है, वहीं आज जमीन जायदाद आदि को लेकर भी बेहद अधिक हिंसाएं होती हैं। प्राचीन समय में ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन प्राचीन समय में कोई कानून व्यवस्था भी नहीं थी, और यदि कोई सजा का डर नहीं होगा तो हिंसाएं और अधिक बढ़ेगी। कुल मिलाकर यह तय करना बड़ा मुश्किल है कि इंसान पहले अधिक हिंसक था या आज अधिक हिंसक है। इस ओर अनेकों वैज्ञानिक शोध भी किए गए हैं, और इन शोधों के अनुसार समय समय पर इंसानों की हिंसकता में परिवर्तन आता रहा है। वैज्ञानिक प्राचीन मानव कंकालों का अध्ययन करके ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस इंसान की मौत कैसे हुई होगी। हिंसा के कारण हुई मौत और प्राकृतिक मौत में बड़ा अंतर होता है। मसलन यदि किसी इंसान को चोटिल करके मारा गया होगा तो हड्डियों में उन चोटों के निशानों को भी देखा जा सकता है। दुर्घटना में लगी चोट के निशान और हिंसा में लगी चोट के निशान भी अलग अलग होते हैं। यदि चोट दुर्घटना के कारण लगती है तो चेहरे पर सामने की ओर अधिक निशान बनते हैं, जैसे कि आंखों, माथे या नाक के हिस्से चोटिल होते हैं। वहीं जब प्रहार किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किया गया हो तो सर के ऊपरी भाग पर निशान मिलता है। ऐसे निशान छोटे किंतु बेहद गहरे होते हैं, क्योंकि चोट पहुंचाने के लिए बहुत मजबूत और नुकीले हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। शोधकर्ताओं के अनुसार मध्य एशिया में खुदाई के दौरान मिले कंकाल बताते हैं कि ये इलाका लंबे समय तक हिंसाओं की चपेट में रहा। इन कंकालों की खोपड़ियों में बिल्कुल ऊपर वाले हिस्सों में गहरी चोट मिलती है। इनमें से अधिकतर कंकाल करीब 12 से 14 हजार वर्ष पुराने हैं। शायद उन दिनों यहाँ लगातार लड़ाइयाँ चलती रहती थी। कई वैज्ञानिक विश्लेषण ये भी बताते हैं कि करीब 10 हजार वर्ष पहले तक मानव हिंसा अपने चरम पर पहुंच चुकी थी, परंतु उसके बाद इस हिंसा में कमी आई। ऐसा शायद इंसानों के अधिक ईश्वर पर यकीन करने के कारण हुआ होगा। भगवान ने इंसानों में डर भर दिया और शायद ये डर ही उन्हें थोड़ा शांत कर पाया हो। परंतु कांस्य युग शुरू होने के साथ मानव की हिंसकता और अधिक बढ़ गई, क्योंकि अब तक विभिन्न धर्मों का उदय भी होने लगा था और अलग अलग धर्मों के लोगों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। अब तक इंसानों के पास धातुओं के हथियार भी आ चुके थे, और इन हथियारों से कहीं अधिक बेहतर तरीके से हिंसा को अंजाम दिया जा सकता था। माना जाता है कि ईसा के जन्म के आसपास एक बार फिर से हिंसकता अपने चरम पर जा पहुंची थी, जिसका कारण मानव द्वारा लोहे के इस्तेमाल को सीख लेना माना जाता है। लोहे की मदद से अधिक आसानी से और तेजी से हथियार बनाए जा सकते थे। इस युग में मानवों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। राजाओं द्वारा अपनी रियासत और अधिक बड़ी करने की ललक भी बढ़ती जा रही थी। सिकंदर जैसे योद्धा पूरी दुनिया को जीत लेने का सपना देखने लगे थे, और तब से चलिए भीषण हिंसकता 15वीं से 16वीं शताब्दी तक जारी रही। उसके बाद मानव हिंसा में एक बार फिर से विराम आया, जिसका श्रेय बेहतर कानून व्यवस्था को दिया जा सकता है। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध और उसके बाद हुए द्वितीय विश्व युद्ध ने एक बार फिर से सिद्ध कर दिया कि मानव की हिंसकता कभी भी ज्वालामुखी बनकर फूट सकती है। दोस्तों, इतना तो तय है कि मानव द्वारा शांति स्थापित करने के लिए किए गए तमाम प्रयास विफल ही रहे हैं, जैसे कि सभी धर्मों को शांति फैलाने वाला बताया जाता है, परंतु धर्मों के नाम पर ही समय समय पर हिंसा भड़कती रहती है। औरतों के साथ व्यभिचार रोकने के लिए औरतों को पर्दा करने या खुद को ढककर रखने की प्रथाएं थोपी गई, परंतु आज भी औरतों के साथ दुर्व्यवहार जारी है। ऐसे में ये सवाल बनता है कि आने वाले भविष्य में क्या कभी इंसान शांत और अहिंसक बन पाएगा, या आगे का वक्त और भी ज़्यादा हिंसकता पैदा करेगा। असल में इस बारे में अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है, परंतु कई जानकारों
इतिहासकारों का मानना है कि पृथ्वी का बढ़ता तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग भविष्य में इंसानों को भारी हिंसकता करने के लिए उकसा सकता है, क्योंकि समुद्र किनारे लगातार पानी में डूबते जा रहे हैं, बढ़ती गर्मी लगातार बर्फ पिघला रही है जिससे समुद्रों का जलस्तर बढ़ रहा है, और ये बढ़ता जलस्तर इंसानों की जमीन को सिकोड़ रहा है। जनसंख्या वृद्धि के बावजूद कम होती ये जमीन भारी उथल पुथल मचा सकती है। संसाधनों और स्थान की कमी दो इंसानों से लेकर दो देशों तक को एक दूसरे से लड़ने को मजबूर कर देगी। सबसे बड़ी समस्या आज के आधुनिक हथियार हैं। यदि भविष्य में कोई बड़ा युद्ध होता है तो हमारे वर्तमान हथियार पूरी पृथ्वी को तबाह करने के लिए पर्याप्त रहेंगे। हालांकि जानकार ये भी मानते हैं कि भविष्य में इंसानों की संख्या घटने लगेगी, क्योंकि लगभग सभी देशों में जन्मदर में कमी आ रही है। विश्व के लगभग 25 देशों की जनसंख्या कम होना शुरू भी हो चुकी है। अगले 40 सालों में भारत में भी जनसंख्या घटना शुरू हो चुकी होगी। वर्तमान में पूरे विश्व की आबादी 800 करोड़ के आसपास मानी जाती है। वर्ष 2064 तक इंसानी आबादी 1000 करोड़ के आसपास हो जाएगी। ये वो समय होगा जब इंसानों की संख्या पृथ्वी पर सबसे अधिक होगी और पृथ्वी पर बेहद अधिक दबाव भी होगा। यदि हम उस कठिन समय को निकाल लेते हैं तो इस शताब्दी के अंत तक यानी वर्ष 2100 तक पृथ्वी की आबादी वापस घटती हुई फिर से 800 करोड़ के आसपास हो जाएगी, और उसके बाद ये संख्या लगातार और भी अधिक तेजी से घटना शुरू हो जाएगी। एवं अगले करीब 200 सालों में इंसानी जनसंख्या इतनी कम हो चुकी होगी कि बढ़ते समुद्री जलस्तर के कारण कम होती जमीन भी हमारे लिए पर्याप्त रहेगी। ऐसा भी हो सकता है कि ये जनसंख्या हमारी उम्मीद से भी अधिक तेजी से घटे। मौसम के जानकारों के अनुसार वर्ष 2050 के बाद जलवायु परिवर्तन इंसानों के लिए जानलेवा सिद्ध होगी। भूखमरी फैल सकती है जिससे आने वाले कुछ दशकों में ही हो सकता है कि मनुष्यों की संख्या मात्र आधी ही रह जाए। परंतु जनसंख्या घटने का ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि इससे मानव जाति में शांति स्थापित हो जाएगी, बल्कि घटती जनसंख्या के कारण बड़ी कंपनियों का उपभोक्ता बाजार कम होगा जिससे कंपनियों को भारी नुकसान होना शुरू हो जाएगा। घटता उपभोक्ता बाजार सभी देशों की अर्थव्यवस्था के लिए भारी नुकसानदायक सिद्ध होगा जिस कारण अफरा तफरी का माहौल बन सकता है। ऐसे में हमें अपने जीने से लेकर खाने पीने तक के ढंग भी बदलने होंगे। हमें अधिक से अधिक प्रकृति से जुड़ना होगा और आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कम करना होगा, और ये सब आगे बढ़ते इंसानों के लिए काफ़ी मुश्किल कार्य लगता है। यानी यदि घटती जनसंख्या के नज़रिए से भी देखें तो भी मानव का भविष्य काफ़ी चुनौतियों से भरा हुआ लगता है। दोस्तों, भले ही इंसानों का वजूद पृथ्वी पर लाखों वर्षों से हो, परंतु हमारी सभ्यता की जड़ें मात्र कुछ हज़ार वर्ष पुरानी ही है। लगभग 10,000 वर्षों पहले हमने खेती करना सीखा, उसके पश्चात ही हमने बस्तियों में रहना और विभिन्न स्थानों पर अपना आधिपत्य स्थापित करना शुरू किया। यानी हमारी सभ्यता मात्र इन 10,000 वर्षों में ही इतनी आगे बढ़ गई कि धरती से लेकर पानी तक और पानी से लेकर आसमान तक पर आज हमारा कब्जा है। परंतु जो चीज़ जितनी तेजी से ऊपर जाती है वो चीज़ उतनी ही तेजी से वापस नीचे भी आती है। हर क्रिया के विपरीत में एक प्रतिक्रिया होती है। यदि मानव ने विकास किया है तो मानवों का विनाश भी तय है। जितनी तेजी से हमने विकास किया है विनाश उससे भी अधिक तेजी से होगा। प्राचीन समय में बाढ़ और सूखे जैसी आपदाओं के पीछे का कारण देवताओं का नाराज होना माना जाता था, परंतु आज बढ़ती गर्मी और जलवायु परिवर्तन का कारण मानव है। शायद हमारे ही कारनामे हमारे अंत का कारण बनेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।